जब से सिक्स पैक एब्स का फैशन आया है तब से हर दूसरा शख्स सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी चाहने लगा है, लेकिन इसके लिए जितने एफर्ट की जरूरत होती है उतने एफर्ट हर कोई कर नहीं पाता, इसीलिए बहुत कम लोग ही सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी बना पाते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिक्स पैक एब्स की चाहत रखते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ऐसी बॉडी बनाने का काम रातों रात तो नहीं हो सकता और ना ही आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस और प्रॉपर डाइट फॉलो करनी कंपलसरी होती है। और अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में आपको सिक्स पैक एब्स बनाने की टिप्स मिलने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सिक्स पैक एब्स बनाने की शुरुआत करते हैं, यानी आपको सिक्स पैक एब्स बनाने के टिप्स देते हैं। नंबर एक पर है कार्डियो ज्यादा कीजिए। कार्डियो एक्सरसाइज ऐसे एक्सरसाइज होती है जो आपकी हार्ट रेट को बढ़ाती है। अगर आप रेगुलर कार्डियो करने लगेंगे तो आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट बर्न होने लगेगा, ये तो आप भी जानते होंगे। और स्टडी से ये भी पता चलता है कि कार्डियो ज्यादा इफेक्टिव तब रहती है जब आपको बेली फैट कम करना हो, यानी कि कार्डियो की हेल्प से आप एब्डोमिनल एरिया से फैट को रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आप 5 से 10 मिनट तक जॉगिंग कर सकते हैं, उसके बाद 10 मिनट तेजी से दौड़ सकते हैं और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक जॉग कर सकते हैं। जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, रनिंग, रॉप जंपिंग ऐसे ही कुछ बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइजेस हैं। नंबर दो पर है क्रंचेस करो। क्रंचेस एक पॉपुलर एब्डोमिनल एक्सरसाइज है जिसकी मदद से सिक्स पैक एब्स बनाए जा सकते हैं और बेली फैट को टाइट भी किया जा सकता है। ये एक लो कॉस्ट एक्सरसाइज होती है जिसे आसानी से घर पर भी किया जा सकता है। अक्सर क्रंच और सेटअप को सिमिलर समझ लिया जाता है जबकि इनमें डिफरेंस होता है। क्रंच को कर्ल अप भी कहा जाता है और ये एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करने और स्ट्रेंथ देने में बेनिफिशियल होती है, जबकि सिटअप आर्म्स, बैक और बट पर ज्यादा इफेक्टिव रहती है। सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए आपको 12 बेसिक क्रंचेस के 4 सेट करने चाहिए। इसके अलावा रिवर्स क्रंचेस, बाइसिकल क्रंचेस और ओवरहेड क्रंचेस भी अपनी एक्सरसाइज रूटीन में शामिल करने चाहिए। नंबर 3 पर है प्लैंक एक्सरसाइज करो। प्लैंक एक्सरसाइज देखने में भले ही सिंपल दिखाई देती है दोस्तों, लेकिन इस इफेक्टिव एक्सरसाइज की मदद से आप पूरी बॉडी में स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। प्लैंक एक्सरसाइज एक बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं। प्लैंक एक्सरसाइज बेस्ट कोर एक्सरसाइजेस में से एक है। इसे करने के लिए पोस्चर इम्प्रूव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और सिक्स पैक एब्स बनाना आसान हो जाता है। नंबर 4, वीक में 3 से 4 टाइम एब वर्कआउट करो। अगर आप सिक्स पैक एब्स जल्दी बनाना चाहते हैं तो बैक टू बैक सेम एक्सरसाइज को रिपीट मत करिए, वरना आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाएगी और बॉडी को इंजरी भी हो सकती है। इसीलिए खुद पर ज्यादा प्रेशर डालने की बजाय अपनी बॉडी के स्टेमिना के अकॉर्डिंग प्रॉपर फोकस के साथ वर्कआउट करते जाओ। स्टार्टिंग में हर एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन के 2 सेट करो और धीरे धीरे इन्हें 12 रिपीटेशन के 3 सेट्स तक ले जाओ। नंबर 5, एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज करो। रेक्टस एब्डोमिनल मसल और इसके साथ ही बाकी एब्डोमिनल मसल्स जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्यूज की एक्सरसाइज करिए, जिससे मसल मास इंक्रीज हो सके और सिक्स पैक एब्स बनाना पॉसिबल हो सके। नंबर 6, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ट्राई करो। अपनी एक्सरसाइज रूटीन में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ऐड करने से वेट लॉस करना और सिक्स पैक एब्स बना पाना आपके लिए इजी हो जाता है। इस तरह की एक्सरसाइज हार्ट रेट को बढ़ाए रखती है जिससे फैट तेजी से बर्न होता है। इसमें आप जंपिंग जैक्स और माउंटेन क्लाइंबिंग को ट्राई कर सकते हैं और याद रखिए इनके बीच शॉर्ट ब्रेक जरूर लेते रहिए। नंबर 7 पर है अब अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाकर आप वेट लॉस को प्रमोट कर सकते हैं, साथ ही बेली फैट को कम भी कर सकते हैं और सिक्स पैक एब्स के लिए जरूरी मसल ग्रोथ को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। इसके लिए आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फिश, लेग्यूम्स, नट्स, एग्स और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। नंबर 8 पर है प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करो। चिप्स हो चाहे कुकीज, प्रोसेस्ड फूड्स में कैलोरी, कार्ब्स, फैट और सोडियम ज्यादा होता है जो बॉडी को हार्म करता है, और इस तरह के फूड्स में फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम ही होते हैं, यानी इन्हें खाने से सिर्फ नुकसान ही होता है। नंबर 9, रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड कीजिए। सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा फैट को भी लूज करना होगा और इसके लिए आपको रिफाइंड कार्ब्स को डाइट से हटाना होगा। रिफाइंड कार्ब्स लेने से भूख बढ़ती है और आप ज्यादा खाना खाते हैं, ऐसे में आप फिट बॉडी कैसे बना पाएंगे? इसके जगह आप होल ग्रेन्स खाना शुरू कीजिए। नंबर 10, हाई फाइबर फूड लो। वेट लॉस करने और सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए एक सिंपल मेथड हाई फाइबर फूड्स लेना है। सोल्यूबल फाइबर लेने से आपको लंबे टाइम तक पेट भरा भरा लगता है,
जिससे आप कम खाना खाते हैं। इसलिए हाई फाइबर फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हॉल ग्रेन्स, नट्स और सीड्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। नंबर 11, हाइड्रेटेड रहो। हाइड्रेटेड रहना अच्छी हेल्थ के लिए तो जरूरी है, साथ ही वेट लॉस करने और सिक्स पैक एब्स बनाने में भी वाटर बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि पानी पीने से भूख कम होती है और वेट लॉस करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, सिक्स पैक एब्स बनाना इजी टास्क तो नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर मेथड फॉलो करेंगे तो ये पॉसिबल है। और अब आपको सिक्स पैक एब्स बनाने से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टिप्स भी मिल गए हैं, जो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेंगे। तो क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे भी ऐसे ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।